हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। आपको दिखाएंगे उस पत्नी का दर्द जिसे अपनी उम्मीद हर तरफ से दम तोड़ती दिख रही है। आंखों में आंसू पर कांपती जुबान से पत्नी सरकार से गुहार लगा रही है। हम बात कर रहे हैं अरब सागर में डूबे वरप्रदा जहाज की। ये कहानी उस जहाज के कैप्टन की है जो करीब 120 घंटे से समुन्दर की लहरों में लापता है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। हम बात कर रहे हैं टाउटे तूफान में डूबे वरप्रदा जहाज के कैप्टन नागेंद्र की। कैप्टन नागेंद्र समेत इस शिप में 10 और लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। और इधर अरब सागर से करीब 1200 किलोमीटर दूर लखनऊ में कैप्टन नागेंद्र के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। डबडबाई आंखों और कांपती जुबान से उनकी पत्नी कुसुम प्रजापति अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से गुहार लगा रही हैं कि मेरे पति को बचा लो सरकार। हम आपको बता दें कि टग बोट वरप्रदा के हादसे की चपेट में आने के बाद लापता हुए 11 लोगों के लिए भी तलाश एवं बचाव अभियान अभी तक चल रहा है। और मैंने जो है कंपनी वालों से बात किया बुधवार को बात किया तो कंपनी वालों को कोई बताने की हालत नहीं थे। वो कह रहे क्या बोलते हैं जहाज मिसिंग है और लोग नहीं मिल पा रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जब जहाज मिसिंग हुआ है सोमवार को तो ये बुधवार तक क्या कर रहे थे बैठ के। और कंपनी वालों को मैं खुद यहाँ टीवी पे देख के व्हाट्सएप के थ्रू और क्या मीडिया के थ्रू जो मालूम पड़ रहा है मैं उससे कंपनी वालों को गाइड कर रहा हूँ और कंपनी वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। जब पूछो तो वो यही बताते हैं कि जो है अभी कोई अपडेट नहीं है। हम जब उनको अपडेट बताते हैं कि अभी देखिए शिप आ रहा है किस तरह चल रहा है तो तब ये सब होता रहता है। और बड़ी जो है कंडीशन जो है सही नहीं है तो परिवार जो है रो रो के हालत बुरी हो रही है उनकी। और जो है हम भी जो है इनकी तरफ से प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और क्या बोलते हैं लोगों से गुजारिश करते हैं, रक्षा मंत्री से कि किसी भी तरह से इनके 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 पति कैप्टन नगेंद्र कुमार को और 11 क्रू मेंबर्स को और उनके जो शिप को ढूंढ के निकाला जाए ताकि जो है इनके इनको राहत मिल सके। तो परिवार गुहार लगा रहा है, लापता कैप्टन नागेंद्र की पत्नी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे गुहार लगा रही हैं कि उनके पति का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला, उनके पति को ढूंढा जाए। मुझे इनके दोस्त ने बताया कि आप कंपनी में फोन करिए। सुबह फोन आया था कंपनी से पर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। उस टाइम वो पूछने लगे, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, सर का दूसरा कोई अकाउंट दे दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि वो ठीक है तो बोले हम फाइनेंस से बोल रहे हैं, आप कंपनी में फोन कर लीजिए। चलिए उसके बाद फिर उनके दोस्त ने मुझे बताया, फिर मैंने उसी नंबर पे फोन किया तब उन्होंने बताया मुझे कि शिप मिसिंग है और सर्च चल रहा है हमारा। उसके बाद हमारे घर वालों ने भी बात की, तब से बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। हाथ जोड़ के मेरी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सबसे विनती है कि कहीं से भी उनको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। आज 5 दिन हो गया है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा, कंपनी वाले बिल्कुल भी हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो परिवार की हालत समझिए जो बिल्कुल असहाय है। वो कंपनी से बात कर रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। 5 दिन हो गए हैं अभी तक पति का सुराग नहीं मिला। कैप्टन नागेंद्र की पत्नी और उनकी बेटी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कुसुम जी, उनके भाई भी हमारे साथ हैं। कुसुम जी, ये बताइए कि आपको कैसे सबसे पहले ये पता चला कि शिप जो है वो मिसिंग है, पता नहीं लग पा रहा नागेंद्र जी का? मुझे बुधवार को इनके फ्रेंड का फोन आया था, उन्होंने बताया तो मैंने तब कंपनी में फोन किया, तब मुझे उन लोगों ने बताया। उससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही बताया उस टाइम भी इतनी थी और हमारा सर्च चल रहा है। तब से बस यही मैसेज आ रहा, सर्च चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता।
मतलब 5 दिन से आपको कोई जानकारी नहीं है और आपने कंपनी में फोन किया था ये जानने के लिए कि आपके पति कहाँ हैं, शिप की क्या हालत है, कंपनी की तरफ से पहले कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई? और क्या अभी आप लोग कंपनी के कांटेक्ट में हैं? वो लोग आपको फोन करते हैं या आप उनसे फोन करके पूछते हैं, हाल जानते हैं स्थिति? आपकी अपने पति से आखिरी बार कब बात हुई थी? संडे को रात को 10 बजे। जी, तब क्या उन्होंने कुछ बताया था कि कुछ हालात खराब हैं या कोई ऐसी चेतावनी है, कुछ कहा गया है कंपनी की तरफ से? ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी। बस हालचाल घर का पूछा और मैंने पूछा, बोले मैं ठीक हूँ, मैंने पूछा आप कहाँ हैं, बोले अभी ठीक नहीं हूँ, बस इतना कह के बोले बाद में बात करता हूँ, फोन कट गया। यानी ज्यादा बात नहीं हुई संडे की आपको उनसे? कैप्टन नागेंद्र की बेटी भी इस वक्त साथ में ही हैं अपनी माँ के। बेटा ये बताइए कि आपकी जब पापा से बात हुई, किस दिन बात हुई, क्या बात हुई, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात आपसे की थी कि कुछ परेशानी है या कोई चीजें हैं, कोई ऐसा डिस्कशन कभी हुआ? तो कब वापस आना था पापा को, कुछ पता था आप लोगों को, कुछ बताया था उन्होंने? कितने दिन पहले कुसुम जी, कितने दिन पहले वो शिप में गए थे? 18 फरवरी को। और कितने दिन का ये होता है जब एक बार जाते हैं शिप में, तो कितना समय होता है जो शिप में रहते हैं उसके बाद वापस आते हैं? 45 दिन का तो होता ही होता, उसके बाद परिवार इंतजार करता रह गया और अभी तक इंतजार ही कर रहा है लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। कैप्टन नागेंद्र के भाई भी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि आपकी क्या कुछ बात हुई है, कुछ आश्वासन दिया गया है, कोई ठोस बात, कोई खबर आप लोगों को दी गई है और क्या कोई मदद कंपनी की तरफ से अभी तक परिवार को मिली है? जी मैडम, देखिए जिस दिन से मुझे पता लगा था ये वेडनेसडे को, जो कि हमारी कुसुम ने बताया था मेरे को, तो और कुसुम को इनके एक कंपनी ने बताया कि उसमें दूसरी शिप में था कि जहाज डूब गया, क्या आपको पता है? तो घबरा के इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो जब फ़ोन किया तो फिर मैंने कंपनी को फ़ोन किया, तो कंपनी बताया गया कि जो है अभी हमको सही पता नहीं है, जहाज मिसिंग है। तो मैंने कंपनी वालों से ये पूछा कि आप जो बता रहे हो कि आपके 2 क्रू जो है वो ट्यूजडे को मिल गए थे और जो उन्होंने पूरे आके आपको कहानी बता दी कि जहाज सिंक कर गया है और क्या है क्या नहीं, तो आपने जो बुधवार शाम को जाके एफ आई आर लॉन्च कराई है कि हमारे जहाज मिसिंग है, और वो तब कराया जब बुधवार को मैंने जो है इनको कई बार चेजअप किया है कि भाई आपने एफ आई आर लॉन्च क्यों नहीं करा, आप चाहते क्या हो? यानी आप कह रहे हैं प्रेशर के बाद ये एफआईआर लॉन्च कराई गई आपके कहने के बाद, लेकिन एक लापरवाही और हुई है, जो 2 लोग इस शिप से बचे हैं जिनको बचाया जा सका है, कुल 13 लोग थे, कैप्टन नागेंद्र समेत 11 लोगों की अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ हैं। उन 2 लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ 2 लोगों के पास ही लाइफ जैकेट थी और बाकी किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। यानी किस कदर लापरवाही है कि जानबूझ के ये तो किसी को मौत के मुंह में ढकेलने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा जा सकता है कि लापरवाही जो हुई है कंपनी की तरफ से, लेकिन कंपनी उस लापरवाही को जो है अपने लेना नहीं चाहती। अभी परसों कंपनी के मालिक ने बयान दिया, राजेश शाही कहते हैं कि जब ये नागेंद्र वहाँ पर पहुँच गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको शिप को गेल कंस्ट्रक्शन को जब ये टक करने पहुँच गए हैं तो हमने इनसे कहा वापस आ जाओ, तो कैप्टन नागेंद्र ये बोले अपने लोगों से कि भाई जो 137 लोग उस पर सवार हैं उनको बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, हम उस बोट को बिना टक किए कैसे चले जाएंगे जिस काम से हमको भेजा गया, और वो टक को उसको टैग करके ला रहे थे तो उसके तो 137 लोग बच गए। जब बच गए तो इनका जो एंकर कहीं फंस गया उसमें, जब एंकर फंस गया तो शिप पलटने लगा, जैसे उन्होंने बताया है क्या बोलते हैं इनके 2 क्रू मेंबर्स ने शिप पलटने लगा है, तो हम लोग वोट सर्च कर रहे थे तो एक ही वोट मिल पाई है, उसमें हम 2 लोग जो है एस्केप हो गए और ये लोग जो है कूद गए हैं, ये तो ये बता रहे कूद गए हैं। लेकिन कंपनी वालों से मैंने पूछा कि अगर ये बाकी लोग भी कूदे हैं तो इतने दिन से 11 में से एक भी आदमी क्यों नहीं मिल पा रहा है? 11 में से कोई एक तो मिलना चाहिए, बाकी लोग मिल रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं मिल रहा है।
तो क्या वो शिप के अंदर ही डूबे हैं, ये आप कन्फर्म करके बताइए। क्रू मेंबर्स कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं, समझ में नहीं आता एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या क्रू मेंबर्स भी अब कहीं ना कहीं कंपनी के प्रभाव में आ गए हैं? अब जो इनके बाकी लोगों से बात होता है, क्योंकि कैप्टन साहब भी संपर्क में है हमारे, बताते हैं कंपनी जो है अपने बचाव के लिए बहुत कुछ करती है। कुसुम जी, मौसम खराब था इस बात की चेतावनी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर नहीं भेजा गया। और अब जिस तरह की खबर है, जिस तरह से कैप्टन साहब के भाई भी बता रहे हैं कि उस दूसरे शिप को वो टैग करके ला रहे थे, लेकिन उस दौरान ही ये हादसा हुआ है। लेकिन लापरवाही तो यहाँ पे भी है ना, कि अगर लाइफ जैकेट नहीं थी, अगर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, और जो खासतौर पर रेस्क्यू करने जा रहा उसके पास ही नहीं है। ये तो कंपनी वाले को ध्यान देना चाहिए कि हम जब किसी को भेज रहे हैं तो उनके पास पूरी सुरक्षा है कि नहीं है। आपकी बात होती थी तो क्या कभी उन्होंने अपने काम के बारे में वहां पे जिस तरह के हालात थे या इस तरह की कोई चर्चा होती थी, कभी बात की इतने समय में? इतने इनके जिस शिप पे थे वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, तो वो सैटेलाइट से ही फोन करते थे कभी कभी, हफ्ते में 10 दिन में बस हाल चाल घर का जान लेते थे और अपना बता देते थे, तो और कोई बात नहीं होती थी। और आखिरी बार कंपनी से आपकी क्या बात हुई और कब बात हुई? मेरी आखिरी बार ट्यूसडे वेडनेसडे को हुई थी, जब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ सिप डूब गया है और मतलब मिल नहीं रहा है और सर्च चल रहा। उसके बाद मैंने अपने जेठ जी को बता दिया, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई, सब बातचीत उन्हीं की हो रही है कंपनी वालों से। सर, बुधवार के बाद आपकी कब बात हुई और क्या कंपनी की तरफ से अभी तक साफ चीजें बताई गई हैं या किस बात का इंतजार कर रही है कंपनी? और जो FIR दर्ज कराई गई है अब कंपनी की तरफ से, उसमें क्या अपडेट आपने लिया कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई? अब उसी कार्रवाई तो उन्होंने कोई बताया नहीं क्या कार्रवाई चल रही है। एक कंपनी का मालिक ने मेरे को एक पेपर भेजा था, उसमें लिखा हुआ था कि 11 तारीख की शाम को FIR दर्ज हुई है। उससे मुझे पता लगा कि क्या बोलते बुधवार की शाम को FIR दर्ज कराई गई है, जबकि इनको वो जब ट्यूजडे को इनको 2 क्रू मेंबर मिल गए थे, इनको FIR उसी दिन लॉन्च करानी चाहिए थी, क्योंकि तभी सिंक किया हुआ था शिप। अब जो नेवी जो सर्च कर रही थी, उन नेवी वालों को पता ही नहीं था कि दूसरा भी कोई क्रू डूबा हुआ है इसमें, दूसरा क्रू मेंबर्स भी लापता है इसमें, या वारा पर्दा करके शिप भी डूबा हुआ है, तो नेवी वालों को पता नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं कि पता ही नहीं था, जो रेस्क्यू कर रहे थे नेवी उसको ये पता ही नहीं कि वर प्रदा भी डूबा हुआ और उसमें 11 लोग हैं अभी। जी 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 मैडम, यही है, क्योंकि FIR लॉन्च होने के बाद ही तो उनके पास समाचार खबर जाएगी कि भाई ये शिप भी लापता है। तो ये 2 दिन में कंपनी वाले क्या कर रहे थे जब क्रू मेंबर्स ने आकर बता दिया इनको ऑलरेडी? बिल्कुल सही बात है, यानी भारी लापरवाही कंपनी की तरफ से बरती गई है। नगेंद्र के बेटे ने मेरे को एक सर्च करके नेट से भेजा था, वो नगेंद्र का बेटा वहां गया, क्या बोलते हैं, नीदरलैंड में, तो उसने ये मेरे को पूरी लिस्ट भेजी थी 13 क्रू मेंबर्स की। उसमें 2 लोगों की चैटिंग हो रही है, तो एक जो बाईपास जो शिप जो पास से गुजर रहा होगा, तो उस शिप ने उसको लिखा है उसमें कि मैंने देखा है कि ये इसका जो है एंकर फंसा हुआ था उसमें, और ये जो है धीरे धीरे करके जो है लुढ़क रहा था। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्रू मेंबर्स बचे होंगे उसमें, उसका ये कहना था। यानी आप लोगों को भी हादसे की आशंका है। कुसुम जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके पति सुरक्षित हों, वो घर वापस आए, लेकिन समय बढ़ रहा है तो चिंताएं जाहिर सी बात है बढ़ रही होंगी आप लोगों की भी, और हम भी समझ सकते हैं आपका कष्ट, किस दर्द से आप इस वक्त गुजर रही हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी, किससे गुहार लगाना चाहेंगी हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, कम से कम स्थिति क्या है ये तो आप लोगों को साफ पता चले? बस मेरी यही प्रार्थना है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, हम लोग की मदद करें, मेरी भी और जो बाकी 10 लोग हैं उनकी भी, सबकी मदद करें, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी घर परेशान होगा, सभी की मदद करें और जल्द से जल्द उनको ढूंढ लिया जाए। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बात जरूर सुनी जाए और जल्द से जल्द आप लोगों की मदद हो। इस परिवार को देखिए जो खुद दर्द में डूबा हुआ है, खुद के आंसू नहीं रुक रहे, लेकिन चिंता बाकी 10 परिवारों की भी है, क्योंकि वो भी इसी तरह से आंसू बहा रहे होंगे, वो भी अपने को ढूंढ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी जानकारी है, जो भी खबर है, जो भी बात है, वो आप लोगों तक साफ साफ पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।